देखिए कहने को तो ये प्रैक्टिस मैच था, मगर फिर भी जीत जीत होती है और जीत एक हैबिट बन जाती है। मगर ऑफ लेट पाकिस्तान की हैबिट जीत से हार की तरफ ट्रांसफर हो गई है। एशिया कप में मात पड़ी, उसके बाद ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था जीतने के लिए, कॉन्फिडेंस अपने आप को देने के लिए, मगर वन साइडेड अफेयर न्यूजीलैंड ने कर दिया। 345 रन किए पाकिस्तान ने, मगर ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही 345 हो गया। विलियम सन ने खेले बगैर दुश्मनी कर दी, फील्ड में भी नहीं आया, टॉम लेथम से कप्तानी कराई, फिर भी आपकी टीम 400 नहीं कर पाई। समझ नहीं आ रही, बंदा ये जूता उतार के ना, ये जूता उतार के इनके सरों पे मारेगा, इनको समझ क्यों नहीं आती भाई किस तरह टीम को मैनेज करना था, किस तरह लेके चलना था। पाकिस्तान को मसले हैं और पाकिस्तान को ये मसले जो है इनका बॉलिंग अटैक जो है वही दूर कर सकेगा, क्योंकि इन पिचेस पे रन 350 कम से कम होंगे। लेकिन यार आप न्यूजीलैंड से तो हार गए हो, लेकिन अगर आप इंडिया से हारे ना तो तनु एयरपोर्ट से गंडे अंडे मारने आ गए। इंडिया के अंदर खेलना ये प्रेशर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इतना जबरदस्त प्रेशर है कि इसके अंदर बड़े बड़ों के हाथ पैर फूल जाते हैं, उसमें बाबर के भी हाथ पैर फूलेंगे, उससे रन नहीं होंगे वो भी परेशान होंगे। पूरी दुनिया के आगे हमें जलील किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि नंबर वन बॉलिंग थी, ये नंबर वन बॉलिंग है यार। इतनी हाइप क्रिएट हो गई है और आप किसी फोन पे उठा के देख लें कि 40,000 लोगों ने अपने चैनल खोले में, वो लोगों ने चैनल खोले में जिन्होंने क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा और वो बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूं। क्या तुमने ज्यादती करी, 8वें नंबर का खिलाड़ी हमारे टॉप बॉलर हारिस टेपिया को इसको बॉल करेगा क्या, लानत नहीं मेरे ऊपर। इंडियंस को कहते हैं घर के शेर, और जैसे ही वो एशिया कप जीते हैं और पाकिस्तान को उन्होंने प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में हराया, वो चौड़े हो गए और उनको लग रहा है कि जी ये वर्ल्ड कप वो जीत लेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से न्यूजीलैंड ने कल इन पाकिस्तानी भिखारियों को जमकर ठुकाई की थी, जिसको लेकर रमीज राजा यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा चेयरमैन रमीज राजा रो रहा है। वहीं उसका कहना है कि पाकिस्तान टीम से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वार्म अप मुकाबले में हम न्यूजीलैंड से 5 विकेट से हार जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान भले ही 345 रन बना ली थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी इन शानदार बैटिंग करते हुए 43 ओवर में इस स्कोर को हासिल कर लिया था। वहीं ये पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि हमारे पास नंबर वन बॉलिंग है, लेकिन कल इनको पता चल गया कि इन पाकिस्तानियों के पास नंबर वन बॉलिंग है कि क्या है। देखिए कहने को तो ये प्रैक्टिस मैच था, मगर फिर भी जीत जीत होती है और जीत एक हैबिट बन जाती है। मगर ऑफ लेट पाकिस्तान की हैबिट जीत से हार की तरफ ट्रांसफर हो गई है। एशिया कप में मात पड़ी, उसके बाद ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था जीतने के लिए, कॉन्फिडेंस अपने आप को देने के लिए, मगर वन साइडेड अफेयर न्यूजीलैंड ने कर दिया। 345 रन किए पाकिस्तान ने, मगर ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही 345 हो गया और बहुत ही जबरदस्त रन चेस किया। पाकिस्तान को मसले हैं, देखिए 345 से शायद ज्यादा रन होने चाहिए थे, नहीं हुए। अगर पाकिस्तान ऐसी पिचेस पे खेलेगा और भारत में ऐसी पिचेस ज्यादातर मिलेंगी तो फिर आपको 400 का स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपकी बॉलिंग इसी तरह से मिसफायर करती रहेगी तो 400 रन करने के लिए आपको मुख्तलिफ टेक्टिक्स अपनाने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता। अप फ्रंट नए बॉल के खिलाफ पहले 10-15 ओवर्स में आराम से बैटिंग करते हैं और फिर आखिर में हमला करते हैं। सो पहले अगर 10-15 ओवर्स में इनको हमला करना पड़ गया 400 रन के लिए, विकेटें गिर गई तो 200 में भी बाजी जो है सिमट सकती है। विलियमसन ने खेले बगैर दुश्मनी कर दी, फील्ड में भी नहीं आया, टॉम लेथम से कप्तानी कराई, फिर भी आपकी टीम 400 नहीं कर पाई। ग्लेन फिलिप्स नया बॉल करा रहा है, वो अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला शफीक को झेलना है। पाकिस्तान की बॉलिंग खेलने से इनकार कर दिया विलियमसन ने, उसने बोला लानत है ऐसी घंटे की बॉलिंग के ऊपर, जहां पर मैं अपने बल्ले की धार खराब करूं। भैया छक्का मारना उसको आता है, स्टार पैट कमिंस को याद है ना, 2015 वाला छक्का जो दिया था उसने वहां पे लॉन्ग आउट, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जिसको जब छक्के मारने होते हैं ना तो उसको पता होता है। रचिन रविंद्र तुम लोगों को मोरली बॉल ही नहीं करा, मैं तो बोले ग्राउंड से बाहर आ जाता कि ये क्या तुमने ज्यादती करी, 8वें नंबर का खिलाड़ी हमारे टॉप बॉलर हारिस टेपिया को इसको बॉल करेगा क्या, लानत नहीं मेरे ऊपर। नहीं भाई मैं नहीं खेलना यार, ये कौन सा कमाल है, तुम लोगों को यार शर्म नहीं आती। हाई प्रोफाइल मैच वर्ल्ड कप है, इतनी हाइप क्रिएट हो गई है और आप किसी फोन पे उठा के देख लें कि 40,000 लोगों ने अपने चैनल खोले में, वो लोगों ने चैनल खोले में जिन्होंने क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा और वो बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूं। मैं तो खैर सुनता ही नहीं, मगर जब उनकी शक्लें देखता हूं भाई हैं कौन और बैठ के क्रिकेट एक्सपर्ट बन गए। तो जब इतना प्रेशर आप पर होता है ना तो ऑब्वियसली वार्म अप मैच के अंदर भी आपके हाथ पैर फूल रहे होंगे। आप दो इनिंग अगर कोई फेल होगा ना, आप देखिएगा कि इंटरनेट पर क्या होता है, सोशल मीडिया हंगामा खड़ा कर देगा। वो लोग जो
कल तारीफें कर रहे थे बैठे वो जो है वो कहेंगे उनको उठा के बाहर फेंक दो। तो इंडिया के अंदर खेलना ये प्रेशर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इतना ज़बरदस्त प्रेशर है कि इसके अंदर बड़े बड़ों के हाथ पैर फूल जाते हैं, उसमें बाबर के भी हाथ पैर फूलेंगे, उससे रन नहीं होंगे वो भी परेशान होंगे। इसलिए कि किसी ने बड़ा अच्छा डेटा दिया, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को दूंगा कि बाबर ने जो पिछले दो एशिया कप वर्ल्ड कप में जो है कितने रन किए, तो 150 है शायद और एक नेपाल के खिलाफ उनका 100 है, बाकी उनके कोई रन नहीं है। पाकिस्तान को मसले हैं और पाकिस्तान को ये मसले जो हैं इनका बॉलिंग अटैक जो है वही दूर कर सकेगा, क्योंकि इन पिचेस पे रन 350 कम से कम होंगे और आपको 350 रन बचाने हैं। वो कैसे बचाने हैं? आपको विकेट लेके, वो कैसे बचाने हैं? फील्डर्स अंदर लेके, वो कैसे बचाने हैं कि सिंगल्स रोक के, क्योंकि हुआ ये कि सिंगल्स भी दिए गए और फिर चौके भी खाए गए, सो प्रेशर ही नहीं बिल्ड हुआ, मासवा एक दो ओवर्स के उसामा मीर के, बाकी तो बहुत ही हल्की फुल्की मौसीकी टाइप थी ये परफॉर्मेंस, दोनों तरफ पिच के बॉल किया, फील्डिंग बहुत ही ऑर्डिनरी थी, कैचेस भी ड्रॉप किए और फिर उसके बाद कोई भी ऐसा बॉलर दिखा नहीं कि जिसने कोई रिवर्स स्विंग की हो या जिसने कोई लेंथ पे आके बॉल किया हो या 6 बॉल एक लेंथ पे किए हो, कुछ ऐसा नहीं दिखा। सो मसले हैं पाकिस्तान को और ये मसले दूर वो खुद ही कर सकते हैं मेहनत करके। उनको आइडिया हो गया है कि पिचेस यहां हैदराबाद में ऐसी होंगी, पहले दो मैच यहां पे हैं, सो एक तरह से आपको आइडिया है कि प्रिपरेशन में क्या खामी है और किस तरह से इसको दूर करना है। देखिए इंडियंस को कहते हैं घर के शेर, और जैसे ही वो एशिया कप जीते हैं और पाकिस्तान को उन्होंने प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में हराया, वो चौड़े हो गए और उनको लग रहा है कि जी ये वर्ल्ड कप वो जीत लेंगे। और ये वही भारत तक की टीम है जो कि पाली खेले में, जो पाकिस्तान का 2 सितंबर को मैच हुआ था भारत के साथ, 66/4 थे, 266 उन्होंने किए थे ईशान किशन और उनके जो T20 कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या की हाफ सेंचुरीज के साथ, तो थरथली मची हुई थी। शाहीन, नसीम, हारिस की बॉलिंग को लेकर वो खौफ में मुब्तला थे, लेकिन वो कहते हैं कि हमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, हमने कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव रख दिया, फिर हमारे जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह अनफिट हो गए और अब वो ये समझ रहे हैं कि जी ये वर्ल्ड कप बहुत आसान होगा और उनको लगता है कि जी पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर होगी। मेरा ख्याल है कि उनको अपने बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है, अनप्रिडिक्टेबल टीम है ये, और 92 वर्ल्ड कप उसकी एक जिंदा मिसाल है, 1986 का वो जावेद मियांदाद का छक्का जो उन्होंने चेतन शर्मा को मारा था, ये सारी चीजें क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए। चूल्हे में रख के आग लगा दिया कर ऐसे मदनी बिरयानी पे नारे लग रहे थे आज, कुछ बच्चे खड़े हुए थे छोटे छोटे और वो नारा लगा रहे थे सैफी तेरे खून से इंकलाब आएगा। अच्छा वो मैं आपको सच बात बताऊं, ये ओ भाई 100 मारा है रिजवान ने, वो कांगे ऑस्ट्रेलिया पे मार लिया, उसने इंग्लैंड पे भी मार लिया, तुम्हारी ऐसी की तैसी नेपाल की, तुम्हें पूरा दिन छोड़ता हूं मैं कि कोई तो सुन ले तुम्हारी, अब तो हैदराबाद की दुआएं भी काम नहीं आई जिन्होंने तुम्हारे लिए रेड कार्पेट बिछा दिया था, बाबर के नारे लगा रहे थे गले खुश हो गए, तुम हम तो जब से कह रहे हैं हमसे दुश्मनी कर दी न्यूजीलैंड ने, मीडिया बड़ा मजाक उड़ा रहा पाकिस्तान की टीम का, बनता है भाई उन्होंने मजाक उड़ाना ही उड़ाना है भाई, उन्होंने जारी बात है दुश्मन मुल्क है उन्होंने उड़ाना उड़ाना है, मेरी टीम जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है ना उनका बनता मजाक उड़ाना, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं जो भी उन्होंने किया है, लेकिन यार हमें अपनी टीमों से बड़ी उम्मीद है कि हमारी टीम अच्छा करेगी वर्ल्ड कप में, लेकिन कोई मजा नहीं आ रहा, पहला मैच ही आप देखे उन्होंने इतनी जल्दी चेस कर, बेइज्जती करवा रही है, 7 ओवर पहले ही सर जलील करवा के रख दिया है। मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने इतना घटिया स्क्वाड सेलेक्ट किया है, इतना ये घटिया इन्होंने तरीका इस्तेमाल किया है, स्पिनर्स देखें, स्पिनर्स जहाँ पर मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि स्पिनर्स ने मार खानी है, मार खानी वही हुआ है, अब बच्चों की तरह उनको बॉल फेंक रहे, स्पिनर ने कोई उनके पास कोई पेस नहीं होता जिससे उन्होंने बैट्समैन को बीट करना होता है, उन्हें अपनी बॉल को घुमाना होता है, उन्होंने अपनी बॉल के साथ अपनी बॉल के टर्न के साथ जो है ना बैट्समैन को बीट करना होता है, और हमारे स्पिनर्स की देखें सीधी सीधी बॉलें फेंक रहे हैं, बच्चों की तरह बॉलें फेंक रहे हैं, इतनी स्लो 70-80 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से इतनी स्लो सीधी बॉल जाएगी, वो छक्के मारेंगे आपके हर स्पिनर को एंड पे आगे हर ओवर में दो दो छक्के पड़ रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल कर रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहीं आपको बता दें कि यही पाकिस्तान वाले थे जो पहले बातें करते थे कि हमारे पास नंबर वन बॉलिंग है, हमारे पास नंबर वन बैटिंग है, बाबर आजम है, रिजवान है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इन पाकिस्तानियों के पास सब कुछ होते हुए भी न्यूजीलैंड ने इन पाकिस्तानियों को ऐसी धुलाई की कि 43 ओवर में ही 146 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया। वहीं इसको लेकर पाकिस्तान का पूर्व मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूर्व चेयरमैन रमीज राजा जो कि भारत में आया हुआ है कमेंट्री के लिए, वहीं जब सोशल मीडिया पर वो मतलब अपना बयान जारी किया उसमें रोते हुए कहा कि हमारी पर मतलब टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि 350 से रन मतलब बनाकर भी न्यूजीलैंड से हार जा रही है। ये पाकिस्तान वाले पता नहीं किस बात का घमंड दिखाते हैं कि हमारे पास नंबर वन बॉलिंग है, नंबर वन बैटिंग है,
लेकिन भले ही बाबर आजम नंबर वन बैटिंग है, लेकिन जिस तरह से न्यूजीलैंड ने खेला है कल, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इनकी नंबर वन बॉलिंग और नंबर वन बैटिंग की कोई औकात नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास केवल कहने के लिए नंबर वन चीज है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले पिच पे जो परफॉर्मेंस होती है उसको दिखा नहीं पाते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया खुद इन्हीं पाकिस्तानी क्रिकेटरों को जमकर ट्रोल करती है। वहीं इसके पहले ये बातें करते थे कि हम आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप जीत कराएंगे भारत से, लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम को मतलब नीदरलैंड से जीतना मुश्किल हो गया है, ऐसा लग रहा है देखने से। तो ये पाकिस्तान वाले भारत से जब इनका मुकाबला 14 अक्टूबर को पड़ेगा, वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसमें 1,32,000 कैपेसिटी है लोगों को बैठने के लिए, अगर उसमें मैच होगा तो इन पाकिस्तानियों को क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। वहीं ये बातें बड़े बड़े करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, ये है वो है, लेकिन दिखाने के लिए पिच पे परफॉर्मेंस के लिए इनके पास कुछ नहीं है। और आपको कल के मैच में पता चल गया कि जिस तरह से न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी कि ये स्कोर भी छोटा लग रहा था। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।